नमस्कार दोस्तों, आज है 21 जून 2021 और आज दुनिया मना रही है वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे। जी हाँ, 7वां इंटरनेशनल योगा डे, जो किसकी शुरुआत भारतवर्ष ने 2015 में पहली बार की थी। भारतवर्ष ने इसको दुनिया के सामने एक तोहफा बनाकर, एक तोहफा की देन भी इसको हम कह सकते हैं कि ये एक तोहफा है जो कि भारतवर्ष ने पूरी दुनिया को दिया था। योगा एक ऐसी चीज है जो कि 7वां तो है ये अपना इंटरनेशनल योगा डे, लेकिन सदियों से ऋषि मुनि, महाभारत, रामायण, उस समय से भी योगा तपस्या जो होती थी वो योगा ही का एक रूप था, हम सब ने देखा है बचपन से। जी हाँ, योगा एक ऐसा प्राचीन भारतवर्ष की देन है जो कि सदियों से भारत से बनाता आ रहा है, और इवन रामायण महाभारत उसमें भी देखा ऋषि मुनि गौतम बुद्ध, उससे जो मोक्ष की प्राप्ति हुई थी वो भी योगा का ही एक रूप था। और योगा अभी 7वां है, पहली बार योगा, जी हाँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार योगा का प्रपोजल यूएन मिशन में, यूएन असेंबली में दिया था 24 सितंबर 2014 में, जिसको कि 177 देशों ने इसका सपोर्ट किया था, और उसके बाद पहली बार 2015 में योगा दिवस मनाया गया, इंटरनेशनल योगा दिवस मनाया गया। इस साल का योगा इंटरनेशनल डे की थीम है योगा इज वेलबींग। वेलबींग बोले तो हाल चाल। जी हाँ, आपका हाल चाल बिल्कुल ठीक, उम्मीद करते हैं। और हाल चाल से बात आती है, इंडिया में ये बहुत ही कॉमन है, आप जब भी मिलते हो, किसी से भी मिलते हो तो हालचाल के बगैर हमारी बात शुरू ही नहीं होती। तो देखिए, योगा ने जो अपना जो हालचाल है, वेलबींग है, वो इंटरनेशनल लेवल पे एक प्लेटफॉर्म दिया है और भारत का नाम इसमें रोशन हुआ है। जी हाँ, और कल अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सुबह 6:30 बजे देश को संबोधित करेंगे, एड्रेस करेंगे। हर साल की तरह अपने सभी जवान, अपने सभी, आपने देखा कि नेवी में शिप के ऊपर अपने जवान योगा कर रहे हैं, सियाचिन में जो कि हाईएस्ट बैटल ग्राउंड है वहां पे अपने सेना के जवान योगा करते हुए दिखाई देते हैं, आईटीबीपी के जवान भी जो ग्लेशियर वगैरह में हैं वो भी योगा करते हुए आपको दिखाई देंगे, इस साल भी दिखाई देंगे और वो करेंगे और हर साल करते हैं। जी नहीं, वो साल में नहीं, वो उनका डेली का रूटीन होता है, फिटनेस के बगैर उस लेवल पे पहुंचना नामुमकिन है। वो सिर्फ एक दिन का दिखावा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि योगा इंटरनेशनल डे पे ही आप फोटो खिंचवा के आप फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, देन यू आर रॉन्ग। यू हैव टू डू इट कंटिन्यूसली, रेगुलरली, एंड देन ओनली यू कैन मेंटेन योर फिटनेस। जी हाँ, बात करते हैं अपने सेना के दूसरे जवानों की, जो कि ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो कि बॉर्डर के ऊपर रहते हुए भी वो भी योगा को अनुपालन करते हैं, योगा को अपने एक हैबिट बना चुके हैं, और वो हर जगह में बॉर्डर के ऊपर, चाहे वो सरहद हो या शहर हो, योगा का अनुपालन करना जरूरी है। अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए आपको योगा करना ही पड़ेगा, नहीं करते तो आपको कोवैक्सीन कोविशील्ड की तरफ देखना पड़ेगा, और जो दूसरी महंगी दवाई है रैनबैक्सी और फाइजर ने जो इतनी सारी स्पुटनिक की हुई, तो लंबी लाइन और कतार में खड़े होने से अच्छा है अपनी सेहत और इम्यूनिटी को बूस्ट कीजिए, देन ओनली यू कैन फाइट विद द एनी काइंड ऑफ वायरस। वायरस एक आया है और वायरस इतने सारे हैं जो कि आज तक डिटेक्ट ही नहीं हुए हैं। जी हाँ, अपनी मेडिकल साइंस कितनी भी तरक्की क्यों ना करे, क्योंकि नेचर जो नेचर है, नेचर को कभी भी वो एक्सप्लोर नहीं कर पाएगी। हर साल सार्स आया था, उससे पहले भी बहुत सारे वायरस आते हैं, और बहुत सारे इवेंट ऐसे होते हैं जो कि नॉलेज में नहीं होते, वो आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन सेहत है तो सेहत आप अपनी बरकरार रख। यू हैव टू डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर हेल्थ, फॉर योर वेलबींग। So to maintain the well-being, you have to do yoga. You have to bring this yoga in your lifestyle, in your habit, in your routine.